सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह, आप सबका एजुकेटर SST का, मैं आप सबके लिए यहाँ लेकर आया हूँ क्लास 10 ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से मिनरल्स चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं इस चैप्टर को लेकर आया हूँ। पहला वीडियो हमारा ज्योग्राफी पे होने वाला है, ये क्लास 10 का चैप्टर डिस्कशन। तो आप बने रहिए वीडियो में, यहाँ पर आपको चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे हम चैप्टर का। वो जो अलग अलग चीज़ जो दिए रहता है चैप्टर में, उन सारे चीज़ों को ज़्यादा डिस्कशन में हम नहीं लेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है उसी को ही यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, हमारा स्टडी टुगेदर चैनल है, टर्म 2 का एग्जाम का आपका प्रिपरेशन चल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज SST ज्योग्राफी का आपका पार्ट है, ठीक है। तो चलिए, पहला तो मैं कुछ आपको बता दूं थोड़ा चीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या कोई भी एक सेक्टर होता है ना, मतलब कोई भी एक ग्रुप होता है जहां पर लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई भी तरह का मार्केट, ठीक है। तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट को। पहला क्या होता है, उसमें प्राइमरी सेक्टर होता है। बोलने का मतलब ऐसा सेक्टर जहां पर लोग रॉ मटेरियल्स का जुगाड़ करते हैं, नॉर्मल शब्द में मैं बोलूँ, ठीक है। रॉ मटेरियल्स को अरेंज करते हैं, फिर उसको क्या लाते हैं, रॉ मटेरियल्स को एक जगह लाते हैं, जितने रॉ मटेरियल्स दरकार हैं उससे हम नया चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल दूं आपको, तो एक पेंसिल ले लीजिए आप, ठीक है। पेंसिल के लिए हमको क्या दरकार पड़ेगा, उसके अंदर में जो लीड होता है वो ग्रेफाइट वो वाला, फिर उसके ऊपर का लकड़ी, हमको दो चीज का बेसिकली मेजर दरकार पड़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे वहां पर, सबसे पहले तो हम ग्रेफाइट का जुगाड़ करेंगे, फिर उसके बाद हम जुगाड़ करेंगे किसका, वुड का। तो उन दोनों को जब एक साथ लाएंगे तो हम उसका उससे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हम जो जुगाड़ किए ना वुड का और ग्रेफाइट का, वो आता है आपके प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। और जिसको मतलब कि हम उनका यूज करते हुए क्या बनाए, पेंसिल बनाए, जो पेंसिल है आपका जो मैन्युफैक्चर होगा वो आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग जो काम है आपका, ठीक है। और तीसरा, मान लीजिए आप पेंसिल बना लिया, पेंसिल में लागत का तो कुछ तो प्रॉफिट आप कमाएंगे ना, मतलब पेंसिल को आप बनाया है 5 रुपया में, तो आप बिक्री करके कुछ तो प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, तो आप बिक्री करेंगे उसको 8 रुपया, 9 रुपया, मे बी 10 रुपया में बिक्री करेंगे आप, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, जो आप उसके लिए लोगों को खोजेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर लोग को खोजेंगे बिक्री करने के लिए, फिर उसके बाद आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर वो आदमी आपको पेमेंट करेगा, फिर आप उसके अनुसार वो अपना मतलब जिसको आप पेमेंट जो आपको किया है वो अपना सामान बाहर बिक्री करेगा और उससे वो भी प्रॉफिट कमाएगा। मतलब वो टर्सरी सेक्टर, बोलने का मतलब ये ऐसा सेक्टर जहाँ पर आप रॉ मटेरियल्स को एक जगह लाते हैं वो आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, फिर उनके यूज से मतलब रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए आप नया चीज का मैन्युफैक्चर करते हैं वो आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और फिर उसके बाद बना लेने के बाद आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं वो आपका आता है टर्सरी सेक्टर। तो ठीक है, आपका कोई भी इंडस्ट्रीज में तीन सेक्टर होते हैं, जैसे मैं पहले ही बोला, पहला प्राइमरी सेक्टर, देखिए यहां लिखा ही हुआ है दिस सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स, ये जो सेक्टर है रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो सेक्टर है रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, इसका मतलब वही पेंसिल का एग्जांपल जो हम लिए, पेंसिल का जो एग्जांपल लिए, इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या होंगे, वुड होगा और दूसरा आपका क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। ये दो चीज का अभी हम एग्जांपल जस्ट लिए थे, ठीक है। अब इन दोनों का यूज से मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों को यूज करूँगा अपने काम में, और इन दोनों के यूज से मैं तैयार करूँगा हमारा पेंसिल, क्या तैयार करूंगा, पेंसिल। और वो पेंसिल कहां पर तैयार होगा, मेरा इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग हब में, ठीक है। तो वो सेक्टर कहलाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सेक्टर क्या करता है, दिस सेक्टर यूज रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल्स की मदद से वो क्या बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं, आयरन, आपका आयरन, ठीक है, उसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा। आप आयरन का तो नाम सुने ही होंगे, लोहा, ठीक है। लोहा जो बनता है ना वो बनता है आयरन ओर से, ठीक है। लोहा किसके मदद से बनता है, आयरन ओर के मदद से बनता है, ठीक है। तो ये जो आपका आयरन ओर है ना, ये हो गया रॉ मटेरियल किसका, आयरन का, ठीक है। और आयरन को जो बनाने का प्रोसेस होता है वो कौन से सेक्टर में आता है, वो सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर हो रहा होगा मे बी आपको,
ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए आपका टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, ऐसे सेक्टर जहां पर आप जब प्रोडक्ट बना लें, मान लीजिए मैं यहाँ पेंसिल बना लिया, ठीक है, पेंसिल बनाने के बाद तो मैं उसको अपने पास ही तो नहीं रखूंगा ना, उसमें मेरा जो पैसा लगा है उससे थोड़ा मैं कोशिश करूंगा मैं प्रॉफिट गेन करूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये पेंसिल को मार्केट में बिक्री करूंगा, ठीक है, मैं अपने घर के पास वाले ही मार्केट में बिक्री करूंगा, मे बी मेरे को एक खरीदने वाला महाराष्ट्र में मिल जाए, मैं जहाँ पे हूँ उससे 100-150 किलोमीटर दूर या फिर 1000 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूरी पर मेरे को एक आदमी मिल जाए जो कि मेरा प्रोडक्ट खरीदे और मेरे को उसमें प्रॉफिट दे, फिर वो आगे जा करके फर्दर दूसरे लोगों को बिक्री करके वो अपना गेन करे प्रॉफिट, मेरे को उससे मतलब नहीं, मैं अपना प्रॉफिट देख रहा हूँ अभी फिर, ठीक है। तो मैं अपना प्रॉफिट के लिए एक आदमी को खोजूंगा और मैं उसको बिक्री करूंगा, और जब बिक्री करूंगा तो उसको तो मेरे को सामान देना होगा ना, तो सामान ट्रांसपोर्ट करूंगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ना, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो आपका आता है टर्शियरी सेक्टर में। तो जो टर्शियरी सेक्टर होता है, देखिए लिखा ही हुआ है, दिस सेक्टर हेल्प्स बोथ द सेक्टर थ्रू मेनी वेज, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक सेक्टर को अलग अलग तरीका से मदद करता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, मान लीजिए आप एक आयरन का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, क्या चीज का, आयरन का, आयरन नहीं मान लीजिए अल्यूमिनियम का, अल्यूमिनियम का आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा, ठीक है, मतलब अल्यूमिनियम का फैक्ट्री जब आप लगाएंगे तो आपको बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, वो आपका 1-2 करोड़ में नहीं, यहाँ पर आपको लगभग लगभग 100-200 करोड़ से ज़्यादा ही दरकार पड़ेगा, कम तो एकदम नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मशीन बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, तो अल्यूमिनियम इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको 100-200 करोड़ का दरकार पड़ेगा, तो आप कहाँ से लेकर के आएंगे, उतना पैसा आपके पास तो होगा नहीं, ना ही आपके घर में होगा, आप तो पैसा जमा किए नहीं होंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लोन लेंगे, ठीक है। लोन कहाँ से लेंगे, बैंकों से, कहाँ से लेंगे, बैंकों से। तो जो बैंकिंग सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम, इसको क्या कह सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, ये जो पूरा आपका बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम आता है टर्शियरी सेक्टर में। ऐसे सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे सेक्टर जो कि मदद करते हो सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम क्या, टर्शियरी सेक्टर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ दो चीज का एग्जाम्पल दिया, पहला आपका ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, पहला आपका ट्रांसपोर्टेशन का, और दूसरा आपको मैं एग्जाम्पल दिया बैंकिंग सिस्टम का, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम का। तो ये दो एग्जाम्पल मैं आपको दिया, मेरे ख्याल से आपको ये पूरा सेक्टर समझ में आ चुका होगा। तो हम बेसिकली अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अब इस चीज पे फोकस करते हैं, हम तीन सेक्टर में कौन सा सेक्टर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। आपको इस चैप्टर का स्टार्टिंग में ही नाम दिखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब यह इस चैप्टर जो है आपका ये वाला, ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड होने वाला है ये चैप्टर, बोलने का मतलब सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है, थोड़ा डीपली स्टडी इसमें इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब देखिए व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, उस चीज को समझते हैं। तो मैं हटता हूं, आप एक बार देखिए, फिर मैं बगल से रीड करके आपको सुनाता हूं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो रॉ मटेरियल्स होता है ना, हम जो रॉ मटेरियल्स होता है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल्स जो होता है उसको प्रोसेस करते हैं, मतलब कि उसको यूज करते हैं, ठीक है, और उससे एक नया वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अभी मैं आपको फिर से एक वो एग्जाम्पल देता हूँ, पेंसिल का ही आप फिर से याद करिए जो मैं आपको वहां पर बोला था। पेंसिल का मैं क्या बोला था, मैं बोला था कि पेंसिल का इंडस्ट्री अगर हमको लगाना है तो हमको दो चीज का दरकार पड़ेगा, पहला वुड, दूसरा ग्रेफाइट, ये दो चीज का नाम बताया था मैं आपको, ठीक है। तो वुड और ग्रेफाइट का यूज मेरे को मतलब कि खरीद कर लाना पड़ेगा, तो मेरे पेंसिल इंडस्ट्रीज के ये दोनों क्या हो गए, रॉ मटेरियल हो गए,
ठीक है। तो मैं जब लेकर आऊंगा ये वुड और ग्रेफाइट को, जब इन दोनों को मिलाकर एक नया पेंसिल बनाऊंगा तो उसको मैं बिक्री करूंगा तो मेरे को कुछ प्रॉफिट होगा, वरना मेरे को, मैं इन दोनों को अलग अलग बिक्री करूँ ना, वुड को अलग ग्रेफाइट को अलग, तो उतना मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा क्या, वुड को और ग्रेफाइट के कॉम्बिनेशन से क्या तैयार करूं, मैं पेंसिल तैयार करूं। पेंसिल एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, पेंसिल एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो गया, और वही पेंसिल को मैं यूज करूंगा, वही पेंसिल को मैं यूज करूंगा मार्केट में बिक्री करके प्रॉफिट गेन करने में, ठीक है। तो मेरा जो पॉइंट है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा जो मैं यहाँ बताया। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन या फिर कोई भी सामान का प्रोडक्शन बाय यूजिंग रॉ मटेरियल, बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, टू प्रोड्यूस मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, ठीक है, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यूज होने वाला को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा। कुछ एग्जांपल भी हैं इसके नीचे, आप उस पर फोकस करिए, फिर मैं साइड होता हूँ। एग्जांपल वन देखिए, सुगर फ्रॉम सुगर केन। सुगर जो आप चीनी घर में खाते हैं ना, वो किससे बनता है, सुगर केन से बनता है। अगर मैं सुगर केन को चीनी बनाने के प्रोसेस में यूज कर रहा हूं तो सुगर केन मेरे लिए क्या हो गया, सुगर केन मेरे लिए हो गया रॉ मटेरियल। अब तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। और मेरे को मिल क्या रहा है, सुगर मिल रहा है, तो मैं सुगर केन की मदद से सुगर बना रहा हूं, ठीक है। फिर क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कॉटन की मदद से मैं क्लॉथ बना रहा हूँ, ठीक है। तो कॉटन क्या हो गया मेरा, वही सेम रॉ मटेरियल। पेपर फ्रॉम वुड, वुड क्या हो गया मेरा यहाँ पर, वुड की मदद से मैं पेपर अगर बना रहा हूँ तो वुड मेरा हो गया यहाँ पर रॉ मटेरियल। आयरन फ्रॉम आयरन ओर, आयरन ओर की मदद से आयरन मैं ये चीज़ का एग्जाम्पल आपको पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नहीं भी आया तो एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ, आपको हिंदी में समझने में आसानी होगा, उतना इंग्लिश थोड़ा टफ हो आप अपने वर्ड्स में भी लिखने का कोशिश इसको कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी, मतलब कि किसी चीज के यूज से, मतलब कि आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसके बेसिक चीजों को उठाकर आप एक नया चीज बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अपने वर्ड्स में भी यूज कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं। तो अब देखिए आपका प्रोडक्शन, मतलब या फिर मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट क्या क्या होते हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ना करें तो क्या घाटा हो जाए, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करें तो क्या फ़ायदा हो, तो ये दोनों पर्सपेक्टिव को अभी हम इन सारे पॉइंट्स में देखने वाले हैं। ये क्लास आपका ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। आने वाले क्लासेस आपके पूरे बेस्ड होंगे इस चैप्टर पर, जबकि मैं सारा इंडस्ट्रीज को इंडिविजुअली यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। क्या होता है, इंडिया जैसा कंट्री ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हो किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जब, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होते रहता है ना तो टेक्नोलॉजी भी लगातार बढ़ते रहता है, ठीक है। जो जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा, वो बोलने का मतलब लोग उसको इजीली किसी भी काम को आसानी से कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के मदद से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, लोगों, लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लोग का ज़्यादा ज़्यादा इनकम होगा, उससे हमारा इकोनॉमी भी अच्छा खासा बन जाएगा। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग आल्सो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल वर्क्स बाय प्रोवाइडिंग देम मोर ऑप्शन, दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो ज़्यादातर लोगों का डिपेंडेंस को कम कर दिया है, किसके ऊपर डिपेंडेंस कम कर दिया है, वो एग्रीकल्चर वर्क्स पर। बोलने का मतलब किसी चीज़ का, मान लीजिए मेरे घर में मैं किसान हूँ, मेरे दो लड़के हैं, मेरे दो बेटे हैं, ठीक है। मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे दो बेटे जो हैं, दोनों बेटे किसान बन जाएं। मैं क्या चाहूँगा, वो लोग अच्छे लिखें, मतलब अच्छा खासा पढ़े लिखें, फिर उसके बाद एक फैक्ट्री में उनका जॉब हो जाए, यही मैं चाहूँगा। या फिर आप भी एक फादर के तौर पर सोचेंगे तो आप भी यही चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, लोगों का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर भी कम कर दिया है। लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर छोड़ करके फैक्ट्री ज्वाइन करते हैं,
ठीक है, फिर कहाँ जाते हैं, कहीं बैंक ज्वाइन करते हैं, कोई ट्रक चलाता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है ट्रक चलाकर। आप इस चीज़ का एग्जांपल आपके सराउंडिंग में बहुत जगह है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक दूसरा पॉइंट यहाँ से बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिपेंडेंस मतलब कि एक चीज़ पर डिपेंडेंस होने का जो कंडीशन है उस चीज़ को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग देन जॉब्स इन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, लोगों को सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जॉब देकर। डेवलपमेंट ऑफ दिस पार्ट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एज इट क्रिएट जॉब्स एंड इनकम। क्या होता है, अगर आपके देश में या फिर आपके रीजन में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा, मतलब कि कोई फैक्ट्री होगा जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, तो उसके कारण क्या होगा, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट का गिनती कम हो जाएगा, मतलब कि लोग ज़्यादातर जॉब जाने लगेंगे, कम मतलब कि कम बेरोजगार रहेंगे लोग, लोग ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे, ज़्यादा नहीं भी थोड़ा ही सा कमा रहे हैं लेकिन ज़रूर से ज़रूर कमाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग का और एक प्रॉफिट है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, जॉब, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका इस सेशन का, एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। तो मान लीजिए आप कुछ प्रोडक्ट को बनाए, अच्छे खासा प्रोडक्ट को बनाए और आप उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजे, मतलब एक देश से दूसरा देश भी हो सकता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जब किए उसको ऐसा, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह भेजे, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, SST के मतलब की लैंग्वेज में उसे कहते हैं, या फिर यूजुअल लैंग्वेज में एक्सपोर्ट कहते हैं उसे, ठीक है। तो उस कारण क्या होगा ना, देश का फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा। बोलने का मतलब, अगर आप मान लीजिए इंडिया में हैं, आप सामान बेचे US को, बोलने का मतलब USA को, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आप सामान भेजे हैं, सामान का तो पेमेंट करेगा ना USA, तो जब वो पेमेंट करेगा तो वो करेगा डॉलर्स में पेमेंट। तो यहाँ डॉलर का जो मतलब जो हमारे पास जमावड़ा है, मतलब जब डॉलर जब हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, हम देंगे RBI को, क्या करेंगे, मान लो इंडिया का एक एक्सपोर्टर है, वो US में एक्सपोर्ट किया, US उसको पेमेंट किया डॉलर में, और जब इंडिया के पास डॉलर आ गया तो इंडिया के पास, इंडियन के पास डॉलर का क्या काम है, इंडिया में तो हम यूज़ करते हैं क्या, रुपी, तो हमको रुपी का दरकार होगा, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ एक्सपोर्टर होगा इंडिया वाला, वो क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास जाएगा, वो क्या करेगा, उससे वहाँ से डॉलर के बदले वो क्या ले लेगा, रुपी में उसको कन्वर्ट करा लेगा। तो इससे क्या होगा, देश का जो क्षमता है ना किसी चीज़ को खरीदने का सरकार का, ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट वही बता रहा है, एक्सपोर्ट्स मदद करता है एक देश को उसके डेवलपमेंट में, ठीक है, क्योंकि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व में या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ज़्यादा पैसा या फिर ज़्यादा डॉलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन और उसके इम्पोर्टेंस, और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से आया, इन तीन सेक्टर्स के बीच में से आया, मैं ये सारा चीज़ को आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए, हमारा सेशन आज तक का, अभी तक का इतना ही का था, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।